आपकी खिदमत के मतलब में हमें शराबिन करेंगे। पहले का खिदमत करता रहा हूँ और आज भी करूँगा, आयदा ही करता रहूँगा। इतनेदार मेरी मंजिल तो नहीं है, मैं बचपन से लेके आज तक मैं चला हूँ, क्योंकि मैं 40 साल हुआ। अगर से 35 साल पहले तो मैं ज़िले का चेयरमैन बहुत कम हुआ था, 1910 इलाके का मैं इतना सफ़र करूँ। अपनी फैमिली के हवाले से जमाली फैमिली से ताल्लुक ज़रूर है। पहली मैं इलेक्शन लड़ी थी 97 में, तब भी मैंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, इंडिपेंडेंट हैसियत से मुंतर हो गया था और मैं बाद में शमूलियत कर नून में। 13 की इलेक्शन मेरी बेगम ने लड़ी थी, वो भी नून के टिकट पर। अभी मैं मियाँ साहब मशहूर मेरी पार्टी का था, उन्होंने मुझ पर इतमाद किया और बुला के टिकट दिया गया। सर आप क्या समझते हैं जमाली ख़ानदान के कई अफराद जो है सुबह असम्बली का भी लड़ रहे हैं, कौमी असम्बली का भी, तो अभी आप लोग बड़े हैं जमाली ख़ानदान के, आप उनको एक मेज पर बिठाएंगे, बातचीत होगी? आज आपने ऐसा सवाल किया, मैं आपको सच भी बता देता हूँ। आज से तकरीबन 3 महीने पहले मैंने उमर खान का मैसेज भेजा था, मैंने कहा भाई आप विड्रॉ कर जाएँ, उनकी दफ़ा ले लें, फैमिली को भी चलाएँ, सब कुछ चलाएँ। तो मुझे पता क्या जवाब आया, कहते आप लेडीज सीट ले लो। मैंने कहा तुम्हारे पास है क्या देने के लिए भाई? मैंने ऑफर की थी उसको, मगर नादान पे बड़ा टाइम महसूस किया। इलेक्शन में आपने जिला भी जीता, आपकी वाइफ चेयरमैन है, आपका बेटा म्यूनसिपल कमेटी शहर का मेयर है, आप समझते हैं कि आप आसानी सुबह सुबह इलेक्शन जीतेंगे? लेकिन सियासत में हार जीत होती रहती है, जब दो बार बार लड़ते हैं कुछ चीज़, एक जीतता है एक हारता है। जी जी, तो ये बलदियात के वजह मैं आपको कह दूँ, क्योंकि मैंने सुन उमर खान को ऑफर की थी। जी, मैंने कहा जिले का चेयरमैन ना मेरा हो ना आपको, तीसरा पता फैमिली का, मैंने ऑफर को उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। तो अभी उमर खान से बातचीत के दरवाजे खुले हैं आपके? नहीं, हो सकती है, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। अच्छा सर, हल्के के आवाम को क्या पैगाम देंगे आप? वाकई अल्लाह तबारक तआला मुझे कामयाब करें, क्योंकि मैं खुद गरीब परवर हूँ, जमाली ज़रूर हूँ, गरीबों का हमदर्द हूँ। मेरे पैनल का नाम भी अवामी पैनल है। इस स्टेज पर, इस मंजिल पर आज जो कुछ भी हूँ, मैं अपने गयूर सबसे पहले अल्लाह की मेहरबानी, फिर गरीब आवाम की मेहरबानी, जमाली ख़ानदान की सपोर्ट मुझे कभी नहीं मिली। और पहले भी अपने बल्ब होते थे और गरीब आवाम बल्ब, इनका मैं महरूम नहीं रहता। ये मुझे कुर्सी में बिठाएंगे भी मैं खुशी से कबूल करूँगा, ये मुझे ज़मीन पर बिठाएंगे मैं कबूल करूँगा।